अस्सलाम वालेकुम, लातिफ़ अली रियान और आप देख रहे हैं अबाउट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की थोड़ी सी अपडेट देंगे। काफ़ी टाइम से इस पर काम शुरू हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी इसमें काफ़ी काम हुआ, स्पेशली जो कुराल इंटरचेंज बना, गुलबर्ग वाला इंटरचेंज, वो सारा काम पिछली गवर्नमेंट में हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई, नए इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने काफ़ी अर्सा इस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन इसी साल इस पर दोबारा से काम स्टार्ट हुआ, कुराल इंटरचेंज से जो बॉटलनेक बनता है बेसिकली, जो ब्रिज है उस पर भी पाइल्स हो रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद के उन चंद रोडों में से है जिस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है हैवी ट्रैफिक का। और इसका काम होना आज समझ लेंगे एक तरह से नागुजीर हो चुका था गवर्नमेंट के लिए भी। इसमें अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर जो कुराल ब्रिज है, जो बॉटल नेक बनता है गुलबर्ग के बाहर से स्टार्ट होता है ब्रिज, उसके पाइलिंग का काम स्टार्ट है, जिसके टोटल जो है 43 पाइल्स हैं जिसमें से 26 मुकम्मल हो गए। और इससे आगे आप आ जाएं तो साइट पे सर्विस रोड का भी काफ़ी सारा अर्थ वर्क मुकम्मल कर लिया इन्होंने। और उसके बाद जो मेन अभी यहाँ पर वर्किंग हो रही है वो आपके जो PWD पे इंटरचेंज बन रहा है उस पे हो रही है, वहाँ पे एक साइड से खुदाई इन्होंने शुरू की हुई है। और इसके एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने जो लेंटर डालना है इसका अंडरपास का, वो 15 जुलाई को इंशाल्लाह ही डालेंगे। जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल बात करें, अभी गुलबर्ग से लेके स्वां गार्डन तक आपका जो पैच है उस पे भी काम शुरू है। और इससे आगे सुनने में तो यही आता था कि रबात तक इसको ये 8 लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी स्वां गार्डन तक इनका जो है वो पैकेज है। और उसके बाद जब मज़ीद इस पर कोई अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो ये गुलबर्ग का ब्रिज है इसकी पाइलिंग का काम स्टार्ट है। इसके बाद जो दूसरा ब्रिज जो आता है आपका, वो पाकिस्तान टाउन के बाद आता है, जिसके नीचे से रेलवे का ट्रैक भी गुजर रहा है, उस ब्रिज का जो है वो PC1 रेडी हो गया है और वो भी सबमिट हो चुका है, रेलवे को भी सबमिशन हो चुका है उसके अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही वो अप्रूव होगा उस ब्रिज पर भी ये अपग्रेडेशन का इसका काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। दूसरी साइड पे आप देखें तो अभी गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने 14 अगस्त तक अनाउंस की है कि एक्सपेक्टेड है इसको इनॉग्रेट कर देंगे, इसका अफ्ताह कर देंगे PWD इंटरचेंज का। और वो हमारे PM खुद इमरान खान साहब खुद आके करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। जैसे ही इसका काम स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स पहले, तो एक काफ़ी तेज़ी आ गई थी हाईवे के साथ जितनी सोसाइटीज़ लगती हैं, अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन, PWD इटसेल्फ, फिर CBR टाउन, स्वां गार्डन, और इसकी ऑपोजिट साइड पे जिन्ना गार्डन, नेवल एंकरेज, इनमें काफ़ी ज़्यादा हमको हाइक देखने में आया प्राइसेस में। ऑलमोस्ट 30-40% प्राइजेज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर गई हैं जैसे ही इसका काम शुरू हुआ। अभी भी जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई परचेजिंग देख रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है मार्केट में, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट होता है इंशाल्लाह उस टाइम तक एक अच्छा जंप एक्सपेक्टेड है इसमें। अब इसकी अगर प्रोजेक्ट की उसकी बात करें कि इस पर कितना खर्चा है गवर्नमेंट का, तो ऑलमोस्ट 2 अरब रुपये का खर्चा आ चुका है अभी तक। इसके अलावा 2 मज़ीद ब्रिजेज़ हैं जो हाईवे पे अभी तामीर होने हैं, जिनकी अप्रूवल और बजट के लिए CDA ने डिमांड कर दी है PSDP से। और ये ब्रिजेज जब कम्प्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद ये प्रॉपर 8 लेन हाईवे एक्सप्रेसवे हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। अभी जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है इस रोड की, स्पेशली स्वां गार्डन से लेके रवात तक का जो पैच है आपका, तो यहाँ पे काफ़ी नई सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं जिनमें PWD, स्वां गार्डन, जिन्ना गार्डन, नेवल एंकरेज, मीडिया टाउन और प्लस DHA इटसेल्फ आ गए हैं इसे। तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक का जो है वो काफ़ी दबाव है और हैवी ट्रैफिक की वजह से रोड की सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है, ट्रैवलिंग में काफ़ी मसला होता है, काफ़ी एक्सीडेंट्स होती हैं इस वजह से। तो जब ये इसका इंशाल्लाह जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एक सिग्नल फ्री एक तो हो जाएगा एक्सप्रेसवे, और दूसरा यहाँ पे जो यहाँ के रिहायशी है जिनकी आबादी लाखों में अब चली गई,
जो यहाँ पे घर बना के लोग रह रहे हैं, जिनका रोज़ का यहाँ से आना जाना है, उनको भी काफ़ी सहूलत हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी अंडर पास की छत जो है वो 15 जुलाई को एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। और जो इस पे कॉस्ट आ रही है वो अराउंड 42 करोड़ रुपीज़ है, 42 करोड़ रुपये है। इसके अलावा कॉटन ब्रिज की जो तामीर है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और इसके जो ओवरऑल 43 पाइल्स हैं जिसमें से 26 मुकम्मल हो गए हैं, और कुल 33 गर्डर्स हैं इस पे, जो बीम होता है बेसिकली जिस पे ये ब्रिज खड़ा होगा, वो 33 में से 22 वो भी तैयार हो गए हैं। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि 60-65% इस रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को एक्सपेक्टेड है कि PM इमरान खान साहब खुद इसको इनॉग्रेट करेंगे, इफ्तिताह करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी ट्रैफिक में भी, और जिन लोगों को रोज़ का यहाँ से आना जाना है उनके लिए भी काफ़ी सहूलत हो जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।